हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं मेरे चैनल पर तो मैं बता देती हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनके सीक्वेंस में आपको कम्प्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इम्पोर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड नोम कवर किया है तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन लेक्चर वीडियोस की मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए राइट right? uh, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है क्या ऑब्जेक्टिव है नेचर क्या है, 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 है स्कोप सारे ही टॉपिक हमारे हो चुके हैं इन वीडियो के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आज इस लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट मटेरियल कंट्रोल तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मटेरियल क्या होता है कितने टाइप का होता है उसके बाद हम देखेंगे कि मटेरियल कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है वाई दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक उसके बाद देखेंगे मटेरियल कंट्रोल क्या होता है फिर मटेरियल कंट्रोल में हम देखेंगे कि सेवन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं ठीक है और उन्हीं ऑपरेशन को डिटेल में आज इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कौन कौन से सेवन ऑपरेशन होते हैं पहला है परचेजिंग ऑफ मटेरियल देन रिसीविंग ऑफ मटेरियल देन इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल देन स्टोरेज ऑफ मटेरियल इशूइंग ऑफ मटेरियल मेंटेनेंस ऑफ स्टोर रिकॉर्ड स्टॉक ऑडिट ठीक है तो ये सात इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं रिलेटेड विद मटेरियल कंट्रोल ठीक है तो आज के इस लेक्चर में हमें यही सात ऑपरेशन डिटेल में डिस्कस करने हैं ओके okay? और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये जो नीचे छोटी सी बेल है इसको भी प्रेस करिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो राइट तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल ये वैसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जब हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कवर किया था तो हमने देखा था मटेरियल क्या होता है मटेरियल वो सब्सटेंस होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है जो मेन प्रोडक्ट है कंपनी का ठीक है वो जिस सब्सटेंस से बनता है दैट इज कॉल्ड मटेरियल और अगर मटेरियल को क्लासिफाई करना है ठीक है तो मटेरियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल मटेरियल सेमी फिनिश एंड फिनिश मटेरियल रॉ मटेरियल क्या होता है रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल ठीक है यानी वो मटेरियल जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में इन इट्स नेचुरल फॉर्म जो हम नेचुरल फॉर्म में या कह लीजिए रॉ फॉर्म में जो मटेरियल यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन में उन्हें हम रॉ मटेरियल कहते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए शुगर फैक्ट्री में जो शुगर केन होते हैं जो गन्ने होते हैं ठीक है वो क्या होता है रॉ मटेरियल जैसे ऑयल मिल में जो ऑयल सीड्स यूज की जाती हैं ठीक है वो क्या है रॉ मटेरियल जैसे टेक्सटाइल मिल में जो कॉटन यूज किया जाता है वो क्या हुआ वो रॉ मटेरियल हुआ क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन में तो दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल आ जाइए सेमी फिनिश मटेरियल सेमी फिनिश मटेरियल क्या होता है देखिए वर्ड क्या है सेमी सेमी मतलब आधा

परचेज कर रहा है सेमी फिनिश मटेरियल वो आधा बना हुआ मटेरियल परचेज कर रहा है फिर उसको फर्दर पॉलिश कर रहा है और फिर सेल कर रहा है तो इस टाइप का मटेरियल क्या होगा सेमी फिनिश मटेरियल राइट नेक्स्ट आ जाइए फिनिश मटेरियल फिनिश मटेरियल मतलब वो मटेरियल विच इज फिनिश्ड वो मटेरियल जो पूरी तरीके से बना हुआ है ठीक है फिनिश्ड है 100% कंप्लीट है और जो प्रोडक्शन में यूज होगा दैट विल बी कॉल्ड फिनिश मटेरियल ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ठीक है तो वो टायर यूज कर रही होगी ठीक है बैटरीज लग रही होंगी कार में तो जो बैटरी है जो टायर है वो क्या है फिनिश मटेरियल ये वो फिनिश मटेरियल है जो मेन प्रोडक्शन uh, में यूज होंगे कार में लगाए जाएंगे ठीक है तो उनको कहते हैं फिनिश मटेरियल तो अगर मटेरियल को क्लासिफाई करें तो इस टाइप से हो सकता है रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश मटेरियल राइट मटेरियल को क्लासिफाई करने का एक और मोड हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हम परचेज करते हैं फॉर पर्टिकुलर जॉब किसी पर्टिकुलर जॉब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो स्पेशली हम मटेरियल बाय करते हैं ना दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है ठीक है वो होगा डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो हमने उस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं परचेस किया है वो जर्नल जो मटेरियल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कह लीजिए किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो सेकेंडरी मटेरियल होते हैं एक होता है प्राइमरी मटेरियल यानी जो डायरेक्टली रिलेटेड है और एक होता है सेकेंडरी मटेरियल जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है ठीक है तो उन्हें क्या कहेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कोई ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरर है कोई चश्मे बनाने की कंपनी है ठीक है तो चश्मे बनाने में क्या जरूरत होती है लेंस की ठीक है फ्रेम की तो ये क्या हो गया ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया वो जो फैक्ट्री है जहां स्पेक्स बन रहे हैं चश्मे बन रहे हैं ठीक है वहां पे जो लेंस है जो फ्रेम है दैट विल बी डायरेक्ट मटेरियल बट वहीं पे जो मशीनरीज यूज हो रही हैं, उनमें कुछ ऑयलिंग ग्रीसिंग यूज हो रहा होगा तो वो क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल जो फैक्ट्री है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहां कुछ झाड़ू पोछा ब्रूम ब्रश डस्टर वो सब लग रहा होगा तो वो क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल फिर कुछ ऑफिस होगा वहां पे कुछ ऑफिस भी होगा कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी होगा जहाँ पे प्रिंटिंग यानी स्टेशनरी के मटेरियल यूज हो रहे होंगे तो वो क्या है वो है इनडायरेक्ट मटेरियल ठीक है तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूज हो वो डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से एसोसिएटेड वो डायरेक्ट मटेरियल और उसके अलावा जितने भी सेकेंडरी मटेरियल हैं जो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं दैट इज मटेरियल कंट्रोल ठीक है हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग का जब फर्स्ट लेक्चर था कॉस्ट अकाउंटिंग का तो उसमें हमने देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो वहां पर हमने देखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था दैट वॉज कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कह लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट को कंट्रोल करना तो उसके बाद हमने एक टॉप एक लेक्चर था जहां पे हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तो देखा था हमने कि कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड तो कॉस्ट को कंट्रोल करना इज बेसिकली कंट्रोलिंग द मटेरियल कंट्रोलिंग द लेबर एंड कंट्रोलिंग द ओवरहेड। ठीक है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा अपने मटेरियल को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने लेबर को कंट्रोल करना पड़ेगा और ओवरहेड्स यानी एक्सपेंसेस जो हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए मटेरियल कंट्रोल पढ़ना इंपॉर्टेंट है ठीक है और मटेरियल क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट होता है जो मेन प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट में जो मटेरियल का जो पार्ट होता है ना दैट इज अ मेजर पोर्शन वो एक मेजर पोर्शन होता है इसलिए मटेरियल कंट्रोल पढ़ना इंपॉर्टेंट है राइट right? और अगर मटेरियल कंट्रोल किया जाए ठीक है मटेरियल की जो भी कॉस्ट है उसको कंट्रोल किया जाए तो अल्टीमेटली क्या है प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है इसलिए भी मटेरियल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है और लास्ट इंपॉर्टेंस मटेरियल कंट्रोल की क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे यहाँली मटेरियल को कंट्रोल करती है तो वो इंश्योर करती है कि एक रेगुलर सप्लाई मटेरियल की बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है ऐसा नहीं होगा कि मटेरियल शॉर्ट पड़ गया ठीक है ऐसी कोई कंडीशन आएगी ही नहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल को कंट्रोल कर रही है ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि क्यों हमें मटेरियल कंट्रोल पढ़ना चाहिए वाई वाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं मटेरियल कंट्रोल होता क्या है तो मटेरियल कंट्रोल इज बेसिकली सिस्टमैटिक कंट्रोलिंग ओवर थ्री थिंग्स तीन चीजों को सिस्टमैटिकली जो कंट्रोल किया जाता है उसी को कहा जाता है मटेरियल कंट्रोल किन चीजों को प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड यूजेज ऑफ मटेरियल किसी भी फैक्ट्री में जो मटेरियल प्रोक्योर किया जा रहा है प्रोक्योर करना मतलब क्या होता है जो भी मटेरियल रिसीव किया जा रहा है ठीक है जो भी मटेरियल एक्वायर किया जा रहा है ठीक है उसको कंट्रोल करना मटेरियल की स्टोरेज जो हो रही है उसको कंट्रोल करना और जो मटेरियल की यूजेज हो रही है उसको कंट्रोल करना एक सिस्टमैटिक वे में इसी को कहा जाता है मटेरियल कंट्रोल ठीक है मटेरियल कंट्रोल क्या है एक सिस्टमैटिक कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड ऑफ मटेरियल दिस इज कॉल्ड मटेरियल मटेरियल कंट्रोल कंट्रोल अब क्यों जरूरी है टू मेंटेन एन मटीरियल फ्लो ऑफ मटेरियल ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक ईवेंट फ्लो रेगुलर फ्लो मटेरियल का बना रहे ठीक है ऐसा ना हो कि मटेरियल शॉर्ट पड़ जाए बट एट द सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि मटेरियल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दिया ठीक है जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नहीं चाहती कि जो इन्वेस्टमेंट हो मटेरियल में वो बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो ठीक है अगर ऑर्गेनाइजेशन ने मटेरियल में जो इन्वेस्टमेंट है वो लो किया बहुत कम किया तो क्या होगा प्रोडक्शन रुक सकता है ठीक है इवन फ्लो ऑफ मटेरियल नहीं मेंटेन होगा प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है बट अगर ऑर्गेनाइजेशन ने मटेरियल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दिया तो क्या होगा अननेसेसरी का ऑर्गेनाइजेशन का फंड ब्लॉक हो जाएगा ठीक है अननेसेसरी का पैसा ब्लॉक हो जाएगा मटेरियल में तो एक पर्टिकुलर लेवल तक मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करने चाहिए तो ये सारी चीजें मटेरियल कंट्रोल का ही पार्ट है ठीक है एक एग्जांपल से बताती हूँ सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हंड्रेड यूनिट की रिक्वायरमेंट है साल में सौ यूनिट की रिक्वायरमेंट है मटेरियल की प्रोडक्शन के लिए बट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ पे केवल सिक्सटी यूनिट्स ही रखी हुई है तो क्या होगा तो ये होगा कि आज नहीं तो कल प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है क्योंकि रॉ मटेरियल शॉर्ट पड़ सकता है ठीक है तो यहाँ पे क्या है अंडर इन्वेस्टमेंट किया है मटेरियल में बट इसी की जगह ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए टू हंड्रेड यूनिट मटेरियल की होल्ड किए हुए हैं स्टोर में ठीक है तो क्या है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर इन्वेस्टमेंट कर रखा है मटेरियल में तो यहाँ पर क्या हो रहा है अननेसेसरी का पैसा ब्लॉक किया गया है बट कम भी नहीं होना चाहिए ठीक है अगर कम होगा तो क्या होता है प्रोडक्शन रुक सकता है प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है मटेरियल शॉर्ट पड़ सकता है तो देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टोर एक प्रॉपर क्वांटिटी मटेरियल की होनी चाहिए स्टोर में बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये सारी चीजें हम मटेरियल कंट्रोल में देखते हैं अब मटेरियल कंट्रोल इफिशियंटली हो इसके लिए सेवन ऑपरेशन हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेवन ऑपरेशन है इन्हें इफिशियंटली मैनेज किया करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने यहाँ पे ये जो सेवन ऑपरेशन है इनको इफिशियंटली मैनेज कर लिया यानी ऑर्गेनाइजेशन ने मटेरियल कंट्रोल को इफिशियंटली मैनेज कर लिया ठीक है अब ये सेवन ऑपरेशन को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला जो ऑपरेशन है दैट इज ऑफ मटेरियल सबसे पहला ऑपरेशन है जो जरूरी है मटेरियल कंट्रोल के लिए दैट इज परचेजिंग ऑफ मटेरियल ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी सेपरेट परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट परचेजिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो परचेजिंग ऑफ मटेरियल को हैंडल करे ठीक है जिसमें एक परचेज मैनेजर होना चाहिए जिसे पूरा मार्केट जो करंट मार्केट की प्राइस क्या है मार्केट का ट्रेंड क्या है और जो भी रूल रेगुलेशन है ठीक है ये सब उसे पता होना चाहिए उसकी निगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी हो ताकि वो बार्गेन कर सके ठीक है तो परचेजिंग ऐसा न हो कि हर डिपार्टमेंट अपने खुद से परचेजिंग करे परचेजिंग के लिए देयर शुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट ठीक है और Uh, ये जो परचेजिंग ऑफ मटेरियल है ये जो स्टेप है ऑपरेशन है ये इफिशियंटली मैनेज हो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ठीक है अभी जो मैंने डिस्कस किया था सेंट्रलाइज परचेसिंग मतलब कि जितना भी परचेजिंग का काम है इट शुड बी डन बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट वो एक जगह से होनी चाहिए सेंट्रलाइज होनी चाहिए वो काम कौन करे परचेजिंग डिपार्टमेंट राइट right? जैसे सपोज करिए अगर एच आर डिपार्टमेंट को कुछ कंप्यूटर्स की जरूरत है सपोज के डिपार्टमेंट को कंप्यूटर की जरूरत है ठीक है तो ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट मार्केट में जाके करे डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट दे किसको को परचेज डिपार्टमेंट को कि हमें दस कंप्यूटर की जरूरत है और फिर परचेज डिपार्टमेंट मार्केट से कंप्यूटर को बाय करे ठीक है तो सेंट्रलाइज परचेजिंग होनी चाहिए दूसरा क्या है कॉपरेशन रिक्वायर्ड ठीक है अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके ऑफ हाँ, मटेरियल ये ऑपरेशन परफॉर्म हो तो इसके लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनका प्रॉपर कॉपरेशन मिलना चाहिए परचेज डिपार्टमेंट को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो एडवांस में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की वो परचेज डिपार्टमेंट को दें कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है ठीक है थर्ड वन इज क्लोज लाइजनिंग बिटवीन परचेजिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट

जो मटेरियल बाय किए जाते हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए ठीक है जो परचेज डिपार्टमेंट है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो रिक्वायरमेंट दे परचेज डिपार्टमेंट को जिसमें वो बताए कि उनको कितनी क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल चाहिए कैसा मटेरियल चाहिए उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ठीक है तो रिक्वायरमेंट दें दूसरा स्टेप क्या है इनवाइटिंग कोटेशन फिर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो परचेज डिपार्टमेंट है वो टेंडर निकाले या कोटेशन ठीक है जो भी सप्लायर्स हैं उनसे कोटेशन मंगाए कि सामान सप्लायर कितने में देगा कितने टाइम में देगा ठीक है फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है एक शेड्यूल बनाए जो परचेज डिपार्टमेंट है वो प्रिपेयर करे शेड्यूल ऑफ कोटेशन शेड्यूल मतलब क्या होता है टेबल ठीक है एक टेबल बनाए कोटेशन का जिसमें नेम ऑफ सप्लायर सप्लायर का नाम क्या है वो किस रेट पे देगा कितने टाइम में डिलीवरी करेगा ठीक है और बाकी कुछ भी जो फर्दर डिटेल है उस सप्लायर की वो वहां पे रिकॉर्ड की जाए ठीक है तो तीसरा स्टेप क्या है एक प्रॉपर टेबल बनाई जाए जितने भी कोटेशन है फिर उसके बाद चौथा स्टेप क्या होना चाहिए कि जो परचेजिंग की जो पूरी टीम है परचेजिंग की जो कमिटी है वो फिर इन सारे ही जितने भी कोटेशन रिसीव हुए हैं इनको गो थ्रू करे तो सिलेक्ट करें एक अप्रोप्रिएट सप्लायर को ठीक है नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन परचेजिंग प्रोसीजर इज परचेज ऑर्डर अब अगला और आखिरी स्टेप क्या है फिर इसके बाद जो है जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो परचेज ऑर्डर प्लेस करता है ठीक है तो ये पांच प्रोसीजर हैं, ठीक है थीके? ये पांच स्टेप हैं जो परचेजिंग में फॉलो करने चाहिए ठीक है अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका परचेजिंग ऑफ मटेरियल ये जो ऑपरेशन है ये प्रॉपरली इफिशियंटली परफॉर्म हो नेक्स्ट आ जाइए दूसरा जो ऑपरेशन है मटेरियल कंट्रोल में दूसरा जो ऑपरेशन है दैट इज रिसीविंग ऑफ मटेरियल मटेरियल रिसीव करना ठीक है तो दे इज अ सेपरेट रिसीविंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है जो भी गुड्स रिसीव हो रहे हैं उनको अनपैक करना और उनका वेरिफिकेशन करना ठीक है तो ये काम कौन करता है रिसीविंग डिपार्टमेंट ठीक है नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल अगला जो तीसरा ऑपरेशन जो मटेरियल कंट्रोल में परफॉर्म किया जाता है दैट इज इंस्पेक्शन मटेरियल रिसीव कर लिया अब इसके बाद होगा इसका इंस्पेक्शन ठीक है जो मटेरियल रिसीव किया जाता है उसमें क्या चेक किया जाता है उसमें चेक किया जाता है मटेरियल का वेट क्या है मटेरियल का काउंट क्या है ठीक है मटेरियल का मेजरमेंट क्या है ये सब काम चेक करने का किसका है रिसीविंग डिपार्टमेंट का लेकिन इसके आगे ये चेक करना कि क्या जो मटेरियल आया है वो क्या एस पर द स्पेसिफिकेशन है यानी कंपनी ने जैसी रिक्वायरमेंट दी थी क्या मटेरियल जो रिसीव हुआ है क्या वैसा ही मटेरियल रिसीव हुआ है कि नहीं ये काम होता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का ठीक है चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल मटेरियल कंट्रोल में पहला ऑपरेशन क्या था परचेजिंग ऑफ मटेरियल सबसे पहले मटेरियल परचेज किया उसके बाद मटेरियल रिसीव किया उसके बाद मटेरियल का इंस्पेक्शन हुआ अब चौथा जो स्टेप है दैट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल अब मटेरियल को स्टोर किया जाएगा ठीक है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है स्टोर कीपर की ठीक है हर फैक्ट्री में एक स्टोर होता है हर फैक्ट्री में हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टोर होता है ठीक है तो ये जो स्टोरेज ऑफ मटेरियल की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है स्टोर कीपर की तो उसकी ड्यूटी है मटेरियल को एक्सेप्ट करना मटेरियल को आइडेंटिफाई करना पहचानना ठीक है मटेरियल का क्लासिफिकेशन करना मटेरियल को छाटना और उसको प्रॉपर प्लेस करना ठीक है तो ये सारे काम कौन करता है स्टोर कीपर करता है ठीक है और इफिशियंट स्टोरेज रिक्वायर द कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट कि जो स्टोर कीपर है वो इफिशियंटली मटेरियल को स्टोर इस करे इसके लिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए पहला पॉइंट क्या है चेकिंग ऑफ मटेरियल Checking of material, मतलब जो store keeper है 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 करने से पहले proper material को check करें, ठीक है? Material के साथ कुछ consignment note होगा, कुछ inspection हुआ है, तो कुछ होगा हुआ तो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट होगी तो उसको प्रॉपर चेक करें और फिर मटेरियल को एक्सेप्ट करें दूसरा जो स्टेप होता है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल मटेरियल को क्लासिफाई करना मतलब छाटना ठीक है ग्रुपिंग करना मटेरियल की ताकि ऐसा ना हो कि एक टाइप के मटेरियल दूसरे टाइप के मटेरियल के साथ मिक्स हो जाए ठीक है तो क्लासिफाई करना और मटेरियल की कुछ कोडिंग करना जिससे क्या है कि जब भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो आसानी से मटेरियल मिल जाए ठीक है तो कोडिफिकेशन करना तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टोरेज ऑफ मटेरियल में ध्यान में रखना होता है दैट इज पुटिंग ऑफ मटेरियल इन टू बिन्स एंड रैक्स ठीक है जो अब मटेरियल है उनको अब डिफरेंट सेक्शंस में जहां पे पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल एक जगह हो दूसरे टाइप के मटेरियल दूसरी जगह हो तो उन्हें और रैक्स में प्लेस करना ठीक है ये bins मतलब क्या होता है bins सुना है पहले कभी ये वर्ड बिन्स मतलब होता है कंटेनर आपने सुना होगा डस्टबिन सुना है ना डस्टबिन तो सबने सुना होगा डस्टबिन बिन मतलब होता है कंटेनर अब जिस कंटेनर में हम डस्ट रखें तो उसे हम कहते हैं डस्टबिन ठीक है बट यहाँ पे बिन मतलब है कंटेनर यानी वो कंटेनर जिसमें हम मटेरियल रख रहे हैं तो जो मटेरियल है उन्हें हम बिन और रैक्स पे क्लासीफाई करके रखते हैं ठीक है नाउ कम टू फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद स्टोरेज ऑफ मटेरियल दैट इज ऑब्जर्वेंस ऑफ लेवल अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मटेरियल है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए ठीक है मटेरियल जो है उसकी क्वांटिटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए ज्यादा होगी तो क्या होगा अननेसेसरी का ऑर्गेनाइजेशन का पैसा ब्लॉक होगा और अगर अगर कम हुआ इन्वेंटरी ऑर्गेनाइजेशन में कम हुई तो क्या हुआ प्रोडक्शन हैम्पर होगा प्रोडक्शन रुक सकता है क्योंकि मटेरियल जब भी शॉर्ट पड़ा मटेरियल खत्म हो गया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा ठीक है तो देर शुड बी अ प्रॉपर लेवल ठीक है देर शुड बी अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन Organization. Organization में कितना मैक्सिमम क्वानिटी स्टोर में होना चाहिए कितना मिनिमम क्वान्टिटी होना चाहिए तो इसी को कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो ऑब्जर्व करेल्स को ठीक है इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको कहते हैं ठीक है इवन ये जो पांचों ही पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन पे मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो इन्हीं पांचों पॉइंट्स पे है जिसमें मैंने इन पांचों पॉइंट पाँच को डिटेल में डिस्कस किया है और इन पे न्यूमेरिकल भी किया है इस पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना मिनिमम लेवल और ईओ क्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है तो इस पर मेरी सेपरेट वीडियो है ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसे यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे बस ऑब्जर्वेंस ऑफ लेवल में मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल ये मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए ठीक है जब मैनेजमेंट मटेरियल को स्टोर करे तो यहाँ पे केवल इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इशूइंग ऑफ मटेरियल ठीक है मटेरियल परचेस कर लिया रिसीव कर लिया इंस्पेक्शन भी हो गया मटेरियल का और मटेरियल को हमने स्टोर भी कर लिया अब क्या करेंगे अगला स्टेप है मटेरियल को इशू करना है ठीक है तो स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल को इशू करता है ऑन रिसीविंग द मटेरियल रिक्विसेशन स्लिप जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनको जब भी मटेरियल की जरूरत होती है तो वो एक मटेरियल रिक्विसेशन स्लिप जमा करते हैं ठीक है थीके? जो प्रॉपरली ऑथराइज होती है ठीक है तो वो जमा करते हैं किसको स्टोर इस डिपार्टमेंट को तब स्टोर डिपार्टमेंट उनको मटेरियल इशू करता है ठीक तो है तो पांचवा जो ऑपरेशन है मटेरियल कंट्रोल में दैट इज इशूइंग ऑफ मटेरियल तो जब डिफरेंट डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विसेशन स्लिप देते हैं तब स्टोर डिपार्टमेंट उनको सामान इशू करता है ठीक है आ जाइए नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड ठीक है इशू हो गया मटेरियल इसके बाद क्या किया जाएगा मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड तो दो सेट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं जब भी मटेरियल रिसीव हो जब भी मटेरियल इश्यू हो जब भी मटेरियल ट्रांसफर हो तो टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन ठीक है दो सेट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं एक मेंटेन करता है स्टोर कीपर जो भी स्टोर का जो स्टोर कीपर है वो मेंटेन करता है और दूसरा कौन मेंटेन करता है जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्टिंग ऑफिस है वो दूसरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है ठीक है अब ये जो स्टोर कीपर है ये कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो कीपर है स्टोर कीपर बनाता है बिन कार्ड स्टोर कीपर बनाता है बिन कार्ड इवन बिन कार्ड भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट है टॉपिक है बिन कार्ड ठीक है तो बिन अभी मैंने बताया था बिन्स मतलब होता है कंटेनर या कह लीजिए रैक या वो स्पेस जहां पे गुड्स को रखा जाए उन्हें कहा जाएगा बिन तो हर बिन के आगे ठीक है या हर बिन के ऊपर एक कार्ड होता है एक कार्ड लगाया जाता है ठीक है जिसमें पूरी डिटेलिंग होती है कि कितना मटेरियल रिसीव हुआ है कितना मटेरियल इशू हुआ है तो जब भी उस बिन से उस कंटेनर से जब भी कोई मटेरियल इन हो ठीक है तब रिकॉर्ड किया जाएगा उस कार्ड पे और जब भी कोई मटेरियल आउट हो तब उस कार्ड पे रिकॉर्ड किया जाएगा ठीक है तो इसी को कहते हैं बिन कार्ड ठीक है तो स्टोर कीपर बिन कार्ड मेंटेन करता है स्टोर कीपर स्टोर मटेरियल कंट्रोल रिकॉर्ड

चलिए नेक्स्ट जो है ये जो कॉस्टिंग ऑफिस है ये भी मेंटेन करता है ये जो कॉस्टिंग ऑफिस है ये भी मटेरियल का प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है ठीक है तो कॉस्टिंग ऑफिस क्या बनाता है कैसे मेंटेन करता है ये बनाता है स्टोर लेजर ये जो कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस होता है ये बनाता है स्टोर लेजर तो स्टोर लेजर में हर मटेरियल के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है हर मटेरियल का एक सेपरेट अकाउंट होता है और उसमें रिकॉर्ड किया जाता है जब भी कोई मटेरियल रिसीव हो रहा है तो रिकॉर्ड किया जाएगा जब भी कोई मटेरियल इशू हो रहा है तो रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर कितना बैलेंस बच गया इसको ये फिर वहां से फाइंड आउट होता है तो जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है वो स्टोर लेजर बनाता है ठीक है तो इस तरीके से जो इन्वेंट्री है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इन्वेंट्री सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ठीक है इवन मैं इस टॉपिक को नहीं इंक्लूड करने वाली थी लेकिन मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखे तो मैंने देखा ये बहुत पूछा गया है इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे नेक्स्ट इज इन्वेंट्री सिस्टम पीरियॉडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ठीक है इनमें डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है यह पूछा जाता है पीरियॉडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है

क्वांटिटी या जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो स्टोर में है उसको फाइंड आउट करते हैं ठीक है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर हैविंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ यूनिट्स इन हैंड यानी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में फिजिकल वेरिफिकेशन यानी एक्चुअली में जो यूनिट्स हैं जो मटेरियल है स्टोर में उसको काउंट करके क्वांटिटी फाइंड आउट की जाती है और वो भी एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद एक्चुअल में जो यूनिट्स हैं जो मटेरियल है उनको काउंट करके फाइंड आउट किया जाता है कि कितने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्टोर में है और उनकी वैल्यू कितनी है तो ये है पीरियॉडिक इन्वेंट्री सिस्टम ठीक है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है कि अगर आपको बीच में महीने के बीच में इंफॉर्मेशन चाहिए कि स्टोर में कितने मटेरियल है कितनी क्वांटिटी है कितनी वैल्यू के हैं तो वो नहीं पता चलेगा

तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये एक मेथड है इन्वेंट्री की डिटेल को रिकॉर्ड करने का जिसमें हम एक अकाउंट बनाते हैं एक लेजर बनाते हैं और उसमें हम मेंटेन करते हैं जब भी मटेरियल रिसीव हो ठीक है और जब भी मटेरियल इश्यू हो तो हम उस लेजर में मेंटेन करते हैं ठीक है और इससे क्या होता है इससे बैलेंस पता चल जाता है जब भी मटेरियल तो इससे है, उनकी क्या है उनकी वैल्यू क्या है तो इसी को कहा जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ठीक है मतलब कॉन्टिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम यानी किसी भी तारीख को आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड डेटा चाहिए कि कितने स्टॉक है कितना स्टॉक है इन्वेंट्री कि कितना स्टॉक है स्टोर में वो आपको इस सिस्टम से पता चल जाएगा बट पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में नहीं पता चलता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही पता चलता है और वो भी फिजिकल वेरिफिकेशन से फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब एक्चुअली में यूनिट्स को काउंट करके पता किया जाएगा कि कितने यूनिट है स्टोर में राइट right? सो दिस इज द एंड परपेचुअल सिस्टम चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ द लास्ट ऑपरेशन आखिरी जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है मटेरियल कंट्रोल में दैट इज स्टॉक ऑडिट ऑडिट मतलब क्या होता है वेरिफिकेशन आपने पढ़ा है ना ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन तो स्टॉक ऑडिट में अब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है स्टॉक का ठीक ठीक है, है, अभी हमने देखा inventory के लिए बनाए जाते जाते हैं, bin card maintain जाते हैं। किए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर लेजर में है क्या एक्चुअल में उतने ही मटेरियल स्टोर में है तो ये चेक किया जाता है बाय फिजिकल वेरिफिकेशन ठीक है तो ये चेक किया जाता है स्टॉक ऑडिट में और ये जो स्टॉक ऑडिट है ये पीरियोडिक भी हो सकता है यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद किया जाए यानी हर महीने किया जाए या क्वार्टरली या सेमी एनुअली भी किया जा सकता है या कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रोटेशन वाइज भी किया जा सकता है ठीक है तो ये सातवां इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है तो हमने देखा सबसे पहला क्या था जो मटेरियल कंट्रोल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को करना है तो बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा उसे वो जो सेवन ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा सेवन ऑपरेशन कौन है सबसे पहले परचेजिंग ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करना पड़ेगा रिसीविंग ऑफ मटेरियल इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल उसके बाद इंस्पेक्शन हो गया उसके बाद हम मटेरियल को स्टोर करेंगे स्टोरेज ऑफ मटेरियल उसके बाद हम मटेरियल को इशू करेंगे तो इशूइंग ऑफ मटेरियल उसके बाद हम उसका स्टोर अकाउंट या जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ठीक है और लास्ट में हम करते हैं स्टॉक ऑडिट ठीक है तो मटेरियल कंट्रोल करना मतलब इन सेवन ऑपरेशंस को कंट्रोल करना राइट चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमने अभी जो डिस्कस किया था मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल री लेवल और ईओ नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्ही को डिटेल में डिस्कस करेंगे उनपे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं this was all about this lecture thank you and have a good day see you in next lecture god bless you